है गाइस, तो आज हम राइड रिव्यू करने वाले हैं जिक्सर SF150 का। तो देखते हैं इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या चलाने में आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पहले इसका एग्जॉस्ट नोट आपको एक बार सुना देता हूं। तो काफ़ी अच्छा सा स्मूथ सा एक साउंड इसके अंदर देखने के मिल रहा है। बाकी आप चला के देखते हैं गाड़ी किस तरह आपको देखने के लिए मिलती है। पावर गाड़ी के अंदर अच्छा है, इनिशियल गाड़ी काफ़ी अच्छा ले रही है और 0 to 100 होने में भी आई थिंक इसको 8 से 10 सेकंड लग रहे हैं, तो ठीक है यार, काफ़ी अच्छा है। 150 सीसी का इंजन है, आपको 13.3 bhp के इसके अंदर आपको इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको 13.8 का टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला है। तो इंजन स्पेक्स कुछ इस तरह के हैं गाड़ी के। और बात करें अगर गाड़ी के सीटिंग पोस्चर की, आपको गाड़ी के अंदर जो पोस्चर मिलने वाला है वो आपको ज़्यादा अग्रेसिव नहीं मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी आपके यहाँ पे आपको प्रेशर नहीं देखने के लिए मिलेगा पाम पे। तो बढ़िया है, चलाने में कंफर्टेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल है गाड़ी। तो आप अगर लॉन्ग राइड पे इसको लेके जा रहे हो तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है। और बात करें गाड़ी के माइलेज की, तो कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है 46 का। तो इसका राइड रिव्यू जो हम अभी दे रहे हैं आपको, एवरेज टेस्ट भी इसका मैं आपको करके दिखा दूंगा वीडियो में कि कितना प्रॉपर देती है। तो कुछ इस तरह की बाइक है यार, अगर आप मोटो व्लॉगिंग के पर्पज़ से भी लेना चाहते हो और नॉर्मल आपको चलाने के लिए लेना है अपने लिए, तो आप बिल्कुल बाइक परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा सा आपको फील देने वाली है। इंडिकेटर वगैरह बटन सी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और बात करें सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिले हैं गाड़ी के अंदर, और अगर रियर की बात करें तो रियर आपको मोनोशॉक देखने के लिए मिल जाएगा। तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। अभी मैं थोड़ा ख़राब रोड पर भी था तो मुझे गाड़ी ने इतना कम्फर्ट मेरा कम नहीं करा है, तो बढ़िया है। फ्रंट में आपको वाइज़र मिल जाता है, साइड मिरर मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। और साउंड वगैरह गाड़ी के अंदर, पावर आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें फुट पोजीशन की, तो आपको जो फुट की आपकी पोजीशन है वो ज़्यादा पीछे भी नहीं है, तो बढ़िया है। एक आपको अच्छी स्पोर्ट्स बाइक वाली फीलिंग बिल्कुल गाड़ी देने वाली है। बात करें कौनसोल की, तो कौनसोल में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे आपको Trip 1, Trip 2, Trip F, बाकी आपको रियल टाइम गियर पोजिशनिंग आपको दिखा देगा, और ABS आपको इसके अंदर इंडिकेटर मिल जाएगा, इंजन चेक लाइट मिल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है, फीचर्स वाइज भी अच्छा है। और ये वाली गाड़ी आती है राइड कनेक्ट के साथ, तो आप एप्लीकेशन पर जाके इसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके काफ़ी सारे फीचर्स अपने फ़ोन के आप कौनसोल के अंदर देख सकते हो। और E20 की बेजिंग के साथ गाड़ी आती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 12 लीटर का आपको इसके अंदर टैंक देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप एक बार फिल करवाओगे और आप लंबा अच्छा निकल सकते हो, आपको कोई भी इतनी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से गाड़ी वर्थ है। अगर बात करें इसके प्राइस की, तो प्राइस आपको गाड़ी का जो पड़ने वाला है ऑन रोड इन भोपाल, तो वो आपको पड़ने वाला है 1,82,000 ऑन रोड। तो इस प्राइस में अगर देखा जाए तो गाड़ी बढ़िया है। और अगर कंपेयर करें इसको इसकी इसके सेगमेंट में R1 से, तो R1 के अंदर आपको पावर इससे थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसका जो पावर है 13.6 bhp का है, वहीं R1 में आपको जो पावर मिलने वाला है वो मिलने वाला है 18.2 bhp का। तो पावर का एक कहूँगा हाँ अच्छा खासा डिफरेंस है। और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो वो 140-145 जाती है, ये 125 तक आपकी गाड़ी चले जाएगी। तो पावर वाइज बढ़िया है, इतना कोई कम आपको देखने के लिए मिलेगा दोनों के अंदर। प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ की मुझे कमी लगी है कि इस प्राइस में अगर आपको इसमें लिक्विड कूल्ड का ऑप्शन मिल जाता है इंजन का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। तो ये आती है आपको एयर कूल्ड के साथ, तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर है। बाकी अगर बात करें इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर में आपको इसमें हेलोजन मिलने वाला है, आपको फ्रंट में कोई भी प्रोजेक्टर नहीं मिलने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी है, आप बिल्कुल इसको ले सकते हो और चलाने में आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इसमें रहने वाला है। बात करते हैं ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। रियर ब्रेक की बात करें तो रिस्पॉन्स बढ़िया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और फ्रंट ब्रेक की अगर बात करें तो बढ़िया है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, गिट्टी पड़ी है सॉरी, तो इसमें भी ABS अच्छा वर्क कर रहा है, बिल्कुल आपकी गाड़ी स्लिप नहीं हो रही है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। तो अगर आप भी ये बाइक परचेस करना चाहते हैं, तो मैं शोरूम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वीडियो पे भी यहाँ पे आपका शोरूम का एड्रेस आ जाएगा। यश सुजुकी से आप परचेस कर सकते हैं, जो कि भोपाल में लोकेटेड है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद।